वो जिंदगी से भरपूर है। ऐसे मजबूत, ऐसे मजबूत, ऐसे मजबूत और ऐसे मजबूत, ऐसे लम्हे हम सभी ने आपके साथ गुजारे हैं। अब मैं आपको एक बहुत ही प्रेममयी बात बताऊंगा। एक लड़का था धीरज, उसकी माता जी बहुत व्यस्त रहती थी, बहुत व्यस्त। पहले तो वो ऑफिस में काम करती थी, चार्टर्ड अकाउंटेंट थी, फिर वो किसी एसोसिएशन की प्रेसिडेंट थी, फिर उसके बाद अपने यहाँ सोसाइटी की प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी थी। उनके पिताजी फॉरेन टूर में रहते थे ज्यादा से ज्यादा, ये भी ले जाओ यहाँ से उठा लो, थे वो फॉरेन टूर में रहते थे। धीरज की जो उम्र है ना, वो समझ लीजिए कि उसने 10th पास करके 11th में गया और एक साल होने वाला है, यानी 11वीं का लड़का कितने साल का होगा, कोई आप में से मुझे बता सकता है कितने साल का होगा? 11th स्टैंडर्ड, 16-17 साल का। वेरी गुड अनुभव जी, आप हर फील्ड में आगे हैं एंड आई अप्रिशिएट योर कंसर्न, थैंक यू वेरी मच। आप हेजिटेट मत होइए, आई एम नॉट योर टीचर, आई एम लाइक यू। तो वो जो 16-17 साल का लड़का था, उसके पिताजी ज्यादा फॉरेन टूर पर रहते थे, बड़े घर का लड़का था, लेकिन उसको ड्रग्स की आदत हो गई। अब जब ड्रग्स की आदत हो गई उसको, तो उसकी स्थिति खराब होने लगी। माँ ने बहुत कोशिश की, बहुत समझाया, लेकर डॉक्टर्स के पास गए, सब कुछ किया, लेकिन उसकी वो ड्रग्स की आदत खत्म नहीं हुई। अब धीरज के साथ में क्या होता है, इससे पहले मैं आपसे एक बात करूं, मैं यहां गिर गया, डॉक्टर्स को बुला लिया गया। पहले 4 बार वो किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में जाता आया जहां से उसका पूरा जैसे ब्लड चेंज कर देते हैं कि किसी तरह से सुधर जाए, लेकिन बचपन की एक ऐसी बीमारी उसके दिमाग में थी, दिमाग में बीमारी, हाँ मेडिकल प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल एंड सोशल प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम की वजह से उसका जीवन दुश्वार हो गया और अब से कुछ देर पहले लंबी लंबी सांस लेता हुआ वो लड़का इस दुनिया से सिथार गया, वो मर गया। मेरे पास धीरज के दोस्त आए, धीरज की सिस्टर ने मुझे दी एक डायरी, उस डायरी को मैं आज आपको पढ़कर सुनाने वाला हूँ कि धीरज ने अपनी मम्मी पापा को क्या कहा, अपने जीवन के बारे में क्या लिखा। बहुत तवज्जो चाहूँगा आपकी, क्योंकि बहुत ही सीरियस सब्जेक्ट है। बहुत धीरज की डायरी में पहला पेज खुला, उसने लिखा था, माँ बाप का मीठा सा गीत था मैं, धीरज ने लिखा, उनकी जान जीवन संगीत का मैं, हर माँ के हर पल में जब मैं खेत में पल रहा था, बढ़ रहा था उसकी गर्भ में मैं आहिस्ता आहिस्ता हर पल। सच कहूँ मम्मा, धीरज कहता अपनी माँ को, सच कहूँ मम्मा, मैं आपके गर्भ में ही रहता तो बहुत अच्छा होता, ये दुनिया की बीमारियां तो मुझे नहीं लगती, ये नशा और ड्रग्स की आदत तो मुझे नहीं लगती, क्या मैं आपके घर में रह सकता था मां, क्या जरूरत थी मुझे इस दुनिया में लाने के लिए। कैसा सुहाना समय था, धीरज की डायरी का अगला पेज है, तुम दोनों के लिए मेरे माता पिता, हर दिन तुम नए सपने देखते थे मेरे लिए, हर दिन नई योजना बनाते थे, हम बच्चे को स्कूल में ले जाएंगे, इस प्ले स्कूल से स्कूल में ले जाएंगे, स्कूल पूरा होगा तो कॉलेज में ले जाएंगे, स्पेशल उसको स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग देंगे, स्पेशल उसको म्यूजिक की ट्रेनिंग देंगे, सारी जितनी भी दुनिया में अच्छी चीजें हम अपने बच्चे को सिखाएंगे। बेटा कंपटीशन का जमाना है, आज अगर आपको स्कूल से कॉलेज जाना है तो 90 प्लस अगर आपके मार्क्स नहीं है तो हमें या तो लाइन में लगना पड़ेगा, या कॉर्पोरेटर से लेटर लेना पड़ेगा, या कहीं ना कहीं कुछ पैसा देकर हमें तुम्हें एडमिशन कराना पड़ेगा, चाहे वो कॉलेज का हो चाहे वो मेडिकल का हो। माँ बाप की ख्वाहिशें बढ़ने लगी, एक बोलता डॉक्टर बनाएंगे, एक बोलता इंजीनियर बनाएंगे, कोई बोलता सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाएंगे, कोई बोलता लॉयर बनाएंगे, इस तरह से माँ बाप आपस में ही बात कर करके खुश होते रहते थे। यहाँ तक कि शायद मेरे माँ बाप ने ये सोच लिया था कि मैं जो सपने देखूं वो उनके थॉट्स के हों, जो वो सोचते हों वो मैं सपने देखूं। अब धीरज की जिंदगी में बवंडर आ गया था, उसके पास कुछ समय नहीं था, वो बहुत टेंशन में रहने लगा, क्योंकि अगर 95% नहीं आएंगे तो पिताजी फॉरेन टूर पर नहीं ले जाएंगे, मन चाहे कॉलेज में एडमिशन नहीं दिलाएंगे, मन चाहे चीज़ों की उसको उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। यहाँ तक कि शायद उसने सोच लिया था कि मैं सपने भी वही देखूं जो मेरे माँ बाप चाहते हैं। धीरज ने अपनी डायरी में अगले पेज पर लिखा था, मैं ये नहीं कहता था कि सिर्फ मैं जो सोचूं वो आप मेरी बात मान लें, मैं ये कहता हूं कि जो आप सोचते हैं मेरे बारे में मुझे बताइए तो सही, अगर आप मुझे बताएंगे कि आप मुझसे ये चाहते हैं तो मैं कोशिश करूंगा। अब आप मुझे डॉक्टर बनाना चाहते हैं और मैं एक फिलोसोफर हूं तो मैं कैसे डॉक्टर बन जाऊं जाकर, आप मुझे फिलोसोफर बनाना चाहते हैं मुझे एक लॉयर बनना है तो मैं कैसे वो कर लूं जाकर, आप मुझे जब जबरदस्ती करेंगे तो मेरे यहां प्रेशर और बोझ बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगला पेज मैंने खोला, बहुत गुस्से में होगा धीरज किसी दिन, उसने लिखा, नो नो नो।